आजादी के बाद से अब तक ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के ग्राम सेरापुर में विद्युतीकरण का कार्य न होने के चलते ग्रामवासियों की दुश्वारियों को देखते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा लंबे समय से विभाग और ऊर्जा मंत्री से गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराए जाने के लिए डाक के माध्यम से अथवा ऑनलाइन माध्यमों से पत्र भेजा गया, किंतु सभी पत्रों का बिना कार्य कराए ही निस्तारण करा दिया जाता रहा। गांव में विद्युतीकरण का कार्य कराने वाली संस्था की लापरवाही अथवा विभागीय कार्यशैली से निराश ग्रामवासियों के साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा द्वारा एक दिवसीय धरना धानेपुर पावर हाउस पर दिया गया। गिरजाशंकर की रिपोर्ट। लगा दिए जाए, मीटर लगा दिए जाए, कनेक्शन आवंटित कर दिए जाए, लेकिन सप्लाई अभी तक नहीं पहुंच पाई। इसके लिए प्रयास पिछले विगत 2 महीने से चल रहा है लगातार। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई लिखित आश्वासन ना मिला था और ना ही कोई जो है हम लोगों के पत्र का कोई ऐसा संज्ञान लिया गया था। आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, जो यहाँ पे उपखंड अधिकारी प्रथम के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने जो बजाज कंपनी है उससे बात कर लिया है और ये अक्टूबर माह तक जो है विद्युत की सप्लाई इन गांव में पहुंचा देंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग फिर से अभी एक सूक्ष्म धरना था, क्योंकि कोविड चल रहा है, इसके बाद हम बृहद आंदोलन करेंगे और जितने भी मजरों में लाइट नहीं है वो पहुँचाने के लिए आग्रह करेंगे। और ये आश्वासन मिलने के बाद हम लोग आज अपना धरना समाप्त कर रहे हैं और इस पे भरोसा भी कर रहे हैं, साथ ही इनको धन्यवाद भी और आभार भी प्रकट करते हैं कि ये जल्द से जल्द वहाँ पे विद्युत सप्लाई पहुँचाने का कार्य करें।